श्रावण मास की शुरुआत आषाढ़ मास के बाद होती है। इस बार 25 जुलाई से सावन महीना शुरू हो रहा है और श्रावण मास 25 जुलाई से 22 अगस्त तक रहेगा। श्रावण में पड़ने वाले व्रत। 26 जुलाई को पहला सावन सोमवार व्रत, 2 अगस्त को दूसरा सावन सोमवार व्रत, 9 अगस्त को तीसरा सावन सोमवार व्रत, 16 अगस्त को चौथा सावन सोमवार व्रत। सावन माह का महत्व। हिंदू धर्म में सावन का बहुत महत्व होता है। सावन में शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस माह में सोमवार के व्रत से शीघ्र फल प्राप्त होता है। जिनके विवाह में परेशानियां आ रही हैं, उन्हें सावन के महीने में भगवान शंकर की विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से विवाह से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिव पूजा से हमारे समस्त पाप का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा की विधि। सोमवार व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में काला तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोमवार व्रत का संकल्प लें। फिर शिवलिंग को रख कर उस पर सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, पंचामृत, चावल, सुपारी, बेलपत्र आदि से पूजा करें। पूजा के चलते ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र लगातार जपते रहें। शिव के मंत्र का जप हमेशा रुद्राक्ष की माला से करें और शिव मंत्र के जप के साथ पूजा समाप्त करें। पूजा के समय क्या करें? सबसे पहले धतूरा और भांग भगवान शिव को चढ़ाएं, फिर मिट्टी से शिवलिंग बनाकर इसकी पूजा करें, साथ ही दूध का दान करें। उसके बाद शाम को भगवान शिव की आरती पूजा करें। ध्यान देने वाली बात, अगर सावन व्रत के महीने में घर के दरवाजे पर सांड आए तो उसे कुछ खाने को अवश्य दें। पूजा के समय क्या ना करें? इस महीने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। पूजा करते समय शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाएं। सावन के महीने में दूध का सेवन अच्छा नहीं होता है। सावन के दिनों में ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। इन दिनों बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन को अशुद्ध माना गया है। भगवान शिव को केतकी का फूल भूल कर भी ना चढ़ाएं। पूजा करने के फायदे। भगवान शिव के भक्त अपनी श्रद्धा, भावना, भक्ति और मनोकामना के अनुसार विभिन्न प्रकार के शिवलिंग की पूजा करते हैं। जहां शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने पर सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो वहीं दूधा अभिषेक से स्वस्थ, सुंदर और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग के पूजन में गन्ने के रस के उपयोग से यश और कीर्ति का आशीर्वाद मिलता है, तो शहद द्वारा पूजा करने से सभी प्रकार के कर्ज से छुटकारा मिलता है। सावन में ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए आर ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।